गाइस अब ये घड़ी खत्म हो चुकी है, मैं डेस्टिनेशन के बिल्कुल एंड पे हूँ और वो गुफा मैंने ढूंढ डाली है। और गाइस बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं अतुल भाई और मैं मिलके, प्लीज इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, इसके पार्ट होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे मैंने आपको बताया। और मिक्कू का भी बड़ा साथ है मेरे डॉगी का। और आइए गाइस आपको दिखाता हूँ गुफा का। यहाँ पे बताते हैं गांव वाले की, यहाँ पे शिवरात्रि को मेला होता है जिसमें ये उन्होंने बना रखा है। और ये जब शिवरात्रि होती है तब ये यहाँ पे जो भी स्टॉल विस्टॉल लगाते हैं अपना थोड़ा सा, और ट्रैक करते हैं मुझे ऊपर चाहिए ट्रैक बना रखे हैं। तो यहाँ पे सोच रहे कि वो कुछ निर्माण कार्य करे तो वहाँ पे सही टू फाइंड गाइस बहुत अंदर रिपल बह के जाएगा। अब मैं यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे अपने शूज उतार दिए यहाँ पे, क्योंकि अंदर प्राचीन गुफा है और यहाँ पे बताते हैं कि भोलेनाथ जी का शिवलिंग है यहाँ पे, तो उसको भी मैं यहाँ पे देखना है और दर्शन करना है। और आज बहुत ही अच्छा दिन है, मैंने मंडे का दिन चूज़ किया था। आप कोई सा भी दिन चूज़ कर लेकिन मंडे का दिन है, मंडे का दिन भोलेनाथ करते सारे आराम से देख के। गाइस आइए मैं आपको दिखाता हूँ, रवि भैया अतुल भैया जरा आप मोबाइल मेरे हाथ में दीजिए, मैं यहाँ जा रहा हूँ। ये गुफा है, इतनी खतरनाक गुफा है ये, आप यहाँ देख रहे होंगे। और यहाँ पे मैं बड़ी आराम से वो कर रहा हूँ बात, और मैंने अंदर तो जाना पड़ेगा भाई, यहाँ तक आए हैं तो जाना भी पड़ेगा। यहाँ पे ये गुफा है और देखिए ऐसा बिल्कुल शेषनाग की तरह इन्होंने बना रखा है यहाँ पे बहुत ही। और यहाँ पे इन्होंने पूजा करते तो यहाँ घंटी बना रखी है, देखिए अंदर की तरफ रास्ता भी है यहाँ पे छोटा सा, लेकिन वो उसमें हम नहीं जा सकते, इंसेक्ट्स या वो जा सकते होंगे, यहाँ जहाँ तक जा सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये यहाँ पे देखिए कैसे पेड़ से पेड़ का ही वो है, आप देखिए इस गुफा को अंदर भी है। और यहाँ पे घंटी गिरी हुई है, मैं इसको लगा दूँगा ऊपर की तरफ। और मैं थोड़ा सा अंदर देखती हूँ थोड़ा सा गाइस, यहाँ पे ये भी हो सकता है ना जंगली जानवर भी हो सकते हैं, बहुत ही खतरनाक गुफा है ये। और काफ़ी एनर्जी तो यहाँ पे आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी, बहुत तगड़ी बना रखी है गुफा, आप देखिए कैसा है। और देखिए गाइस ये भगवान भोलेनाथ जी का यहाँ पे मंदिर है, और देखिए शेषनाग की तरह यहाँ पे ये इतनी कि आप जब आपने गुफा देखी होगी तो आप इसको देखिए गौर से, मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ वीडियो को ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें इसकी आकृति कैसी है, जैसे शेषनाग की तरह है। और मतलब मैंने काफ़ी रॉक देखे हैं लेकिन इस तरह के रॉक जब देखता हूँ तो बहुत ही देख के मुझे लगता है कि वाकई में यार पूरा देखिए आप अच्छी तरह से, क्योंकि जिस डेस्टिनेशन के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ चल के, तो आप लोगों को अच्छे से दर्शन करा दूँ यहाँ पे मैं। और यहाँ पे छोटे से हॉल्स भी हैं, अभी बहुत गहरा है ये, यहाँ तो मैं जाता हूँ जरा दर्शन करता हूँ भोलेनाथ जी के। फ्रेंड्स अब मैं यहाँ तक इतनी ऊंचाई में आया हूँ भोलेनाथ के शिवलिंग में, और नेचुरल है मतलब ये किसी ने हाथ यहाँ पे बनाई नहीं है, ये नेचुरल है। और मैं यहाँ अपने साथ ये दिया लाया था और मैं भगवान जी के लिए आप सबके लिए प्रे कर रहा हूँ मैं कि भगवान सबको खुश रखे, अच्छी हेल्थ दे, खुश रखे और हम सब में भाईचारा रहे, प्यार मोहब्बत रहे, और बस यही है। और प्रभु बस आप जब बुलाएंगे हम यहाँ पे आपके दर्शन करने आएंगे, ये इतनी अच्छी जोत जल गई यहाँ पे, कुछ ऐसा साधन नहीं था लेकिन मैं इसको लेके आया और पूरी कोशिश हुई है यहाँ पे। बाबा भी बोले रहे जय मेरे भोलेनाथ, जय भोले बाबा। चक्करा वीर बजरंगी हर हर महादेव महाकाल, जय महाकाल मेरे भोलेनाथ, आपका आशीर्वाद रहे हम सबके ऊपर। आइए मैं यहाँ दिखाता हूँ कैसे ये कितना नेचुरल है, ये है हमारे भोलेनाथ
और ये गुफा में अपने आप ये उत्पन्न हो रखे हैं। गांव वाले काफी अच्छे तरह से कर रखा है यहाँ पे, अब काफी ऊंचाई है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे फोटो है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ना, डमरू सब कुछ है, ये नेचुरल है। लो अतुल जी रेकमेंड पकड़ेगा, मेरा भोलेनाथ जी को माला चढ़ा दूँ, भोलेनाथ जी को आपने देख लिया, दिखा दिया मैंने आपको अच्छे से, जय भोले बाबा। ये मैं फ्रूट्स लेकर ऐसा आपको पता ही प्रसाद, जय भोलेनाथ, आपकी आशीर्वाद आपकी कृपा बनी रहे हमेशा सदा सदा। अतुल मिश्रा जी जिनका इतना साथ रहा, इनके वजह से यहाँ पे हम पहुँच पाए हैं बहुत रहा, और भोलेनाथ जी के अभी दर्शन कर रहे हैं, सॉरी डिस्टर्ब ना जाए इनको, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और ये हमारा मिक्कू, इसने हमारा बहुत साथ दिया, आज मैं इसको पूरा खुश रखूँगा, इसको काफ़ी अच्छा हेल्दी फूड दूंगा, और मैं और इसकी वजह से भी हम यहाँ पे आ पाए, बहुत संकीर्ण रास्ता है। अतुल जी थोड़ा हाँ कैसा लगा अतुल जी आपको यहाँ पे आके? अच्छा लगा, हम तो ये चाहते हैं कि हम हमेशा आए यहाँ पे, अब कभी भी ऊपर वाला चाहेगा तो हम हमेशा आते रहेंगे, और आसपास के लोगों से भी कहेंगे कि अच्छी जगह है, यहाँ आना चाहिए, भोलेनाथ के दर्शन करने चाहिए। और ये विचित्र जो गुफा है, ये जो गुफा है, लोगों से भी कह रहे हैं कि अगर जो भी कोई हमारी वीडियो देख रहा है वो यहाँ आने की कृपा करे, बहुत अच्छा नजारा है, अच्छी गुफा है, ऋषिकेश वैली से ऊपर है, तपोवन राम झूले से ऊपर आना पड़ता है, तो आप सब लोग आ सकते हैं। धन्यवाद भाइयों, जय भोलेनाथ।